हे एवरीवन, आज मैं अपने चैनल फूड अपडेट्स पर बनाने वाली हूँ राइस केक, बहुत ही टेस्टी एंड इजी टू मेक रेसिपी लेमन राइस, जिसे आप अपने डेली मील्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। राइस की रेसिपीज तो आपने जरूर बनाई होगी, तो अगर आपने साउथ का फेमस लेमन राइस ट्राई नहीं किया तो इसे एक बार जरूर बनाएं। आई एम श्योर इसके बाद आपको हर बार ये लेमन राइस बनाकर खाने का मन जरूर करेगा। तो देखते हैं लेमन राइस बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। उबले हुए चावल 2 कप, तेल 1 टेबलस्पून, सरसों के दाने 1 टीस्पून, चना दाल 1/2 टेबलस्पून, उड़द दाल 1/2 टेबलस्पून, मूंगफली 2 टेबलस्पून, काजू 10 से 12, खड़ा लाल मिर्च 2, हरी मिर्च 2 कटे हुए, करी पत्ते 10 से 12, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, नींबू का रस 1 टेबलस्पून। तो चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले एक नॉनस्टिक कढ़ाई हीट कर लेंगे। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तो हमें डालना है 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहे तो घी का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप किसी दूसरे ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक बनेगी। अभी जब तेल अच्छे से हीट हो गया है तो हमें डालना है 1 टीस्पून सरसों के दाने। जब सरसों स्प्लटर होने लगे तो फ्लेम को लो कर लें। अब इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून उड़द दाल और 1/2 टेबलस्पून चना दाल, और फिर डालेंगे 2 स्प्रेड की हुई हरी मिर्च, 2 खड़ा लाल मिर्च और 10 से 12 करी पत्ते। आप जब भी तड़का रेडी करते हैं तो पूरे प्रोसेस में फ्लेम को लो ही रखें, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम में तड़का रेडी करेंगे तो जो दालें हैं ना वो जल्दी जल जाएंगी और अच्छे से वो कुक भी नहीं होंगी। इसलिए फ्लेम को हमेशा लो ही रखें और फिर तड़का रेडी करें। अब इसमें डालेंगे 10 से 12 काजू और अच्छे से इन सबको आधे से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। आधे से 1 मिनट के बाद गैस बंद कर ले और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दे। जब तक ये ठंडा हो रहा है, एक पैन गर्म कर ले और उसमें डाले थोड़ा सा तेल और थोड़े से पीनट्स यानी मूंगफली को सौटे कर ले। मूंगफली को लो फ्लेम पर लगभग 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब मूंगफली से स्प्लटर की आवाज़ सुनाई दे तो समझ जाइए मूंगफली अच्छे से भुन चुकी है। मूंगफली को चेक करने का ये बहुत ही सही तरीका है। अब ये जो मूंगफली है उसे हम डालेंगे तड़के के साथ और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है क्योंकि हमें इस स्टेज पे डालना है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी हमेशा ठंडे तेल में ही डालें, क्योंकि गर्म तेल में अगर आप हल्दी डालेंगे तो ये राइस को डार्क कर देगी, जिससे राइस का कलर और इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए हमेशा हल्दी को ठंडे तड़के के साथ ही मिक्स करें। अब हमें डालना है 2 कप बॉइल्ड चावल। मैंने चावल को पहले ही कुक कर लिया था। अगर आपके पास लेफ्ट ओवर राइस है पड़ी हुई तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और लेमन राइस बना सकते हैं। अब गैस ऑन करें और फ्लेम को मीडियम पे रखें। चावल को धीरे धीरे चलाते हुए मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं हल्दी की कोटिंग चावल पे कितने अच्छे से हो रही है। तो इसे लगभग 1 से 2 मिनट लगता है अच्छे से कोट होने में। तो 1 से 2 मिनट अच्छे से हमें चला लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर डालना है नमक एज पर टेस्ट। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में हमें डालना है 1 टेबलस्पून नींबू का रस। और नींबू का रस डालने के पहले हमें क्या करना है, हमें फ्लेम को ऑफ कर लेना है। नींबू का रस लास्ट में फ्लेम को ऑफ करके ही डालना है, क्योंकि अगर आप गर्म चावल में ही नींबू डालते हैं तो चावल थोड़ा बिटर हो जाएगा और इसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा।
तो इसके खट्टे अच्छे टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको फ्लेम को ऑफ करना है और फिर ही आपको नींबू का रस इसमें ऐड करना है। और ये लीजिए, बन गई लेमन राइस की रेसिपी। लंच या डिनर में आप इसे ज़रूर बनाएं और सर्व करें प्लेन या फिर रायता या चटनी के साथ, और इन्जॉय करें ये टेस्टी लेमन राइस की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये लेमन राइस की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल फूड अपडेट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।